श्री बागेश्वर सरकार के द्वारा दमोह जिले में स्थित 13वें ज्योतिर्लिंग की मान्यता प्राप्त जागेश्वर नाथ को दिव्य एवं भव्य नगरी बनाने की बात कही है। उन्होंने दमोह के विधायक अजय टंडन को भी इस मामले पर एक सवाल विधानसभा में लगाने की बात कही है, साथ ही स्थानीय लोगों को भी निर्देशित किया है। क्या कुछ कहा श्री बागेश्वर सरकार ने बांदकपुर धाम को भव्य और दिव्य नगरी बनाने के लिए, आपको सुनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एसीएन न्यूज। भाग्य की बात है कि गुरु आज्ञा को सा अक्षर सा उन्होंने पालन किया, कथा के पूर्व में ही उसका निर्माण करवा दिया। इसके लिए दमोह विधायक जी को साधुवाद है और कांदीपुर में जो संकल्प लिया था उसको आगे बढ़ाया। हमें भरोसा है यह सनातनीय संस्कृति का और लोगों की भावनाओं का और संतों की पीठ का इसी प्रकार ये आदर करते रहेंगे। बालाजी ऐसी समृद्धता दें, बालाजी ऐसी कृपा करें। बांदकपुर के लिए हम इनको कहेंगे कि एक इनको विधानसभा में एक क्वेश्चन लगाना चाहिए। अगर सरकार नहीं सकती तो विधानसभा में क्वेश्चन लगा सकते, और सबका, कोई पार्टी के लिए नहीं, एक इनके लिए नहीं, सबके लिए। कोई भी पार्टी के नेता, जो भी लगभग हमको सब मानते हैं, हमारे सब अपने हैं, हम किसी भी पार्टी के नहीं है, हमारे सब हैं। हम सबको निवेदन करेंगे बांदकपुर के लिए, जितने भी दमोह जिले के वासी हैं, बांदकपुर जागेश्वर तीर्थ आपके यहाँ का यह 13वां ज्योतिर्लिंग भारत में कहा जाता है, आपके लिए गौरव का विषय होगा। तो अपने नाम को बढ़ाने के चक्कर में कि हमारा नाम रोशन हो तभी हम करवाएंगे, इस बात को मिट्टी में डालकर कैसे भी भोले बाबा का नाम बढ़ जावे और हमारी बात रह जावे, इस पर आप कोशिश करना। सबसे, जो भी पार्टी के लोग हैं, सबसे निवेदन है कि आपके पास बल सत्ता है तो कृपा करके आप जो है वहां का अतिक्रमण हटाकर वहां पर भोले बाबा की दिव्य और भव्य नगरी बनाने की तैयारी करो।